अपने लेक्चर की डिटेल्स मैं आपको एक बार समरी करके वापस एक बार बता दूं, सारी डिटेल्स क्या हम लोग प्रोग्राम में लेने वाले हो, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। आपको मैं डेमो लेक्चर बैच में भी इंक्लूड कर दूंगा, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट। अपना ये जनरल प्रैक्टिशनर का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम में लगभग 150 लेक्चर्स हैं, इंक्लूडिंग फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी, गायनेक, ऑब्स्टेट्रिक, पीडियाट्रिक, जो बेसिक बेसिक अपने को लगता है फॉर प्रैक्टिस। अभी ये सारे लेक्चर्स आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन होता है, उसमें अपने एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये सारे लेक्चर्स हमने जो क्लासरूम प्रोग्राम में लिया हुआ है वो सेम लेक्चर्स हैं, जो कि आपको हाफ ऑफ द प्राइस में मिलते हैं, और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स का नोट्स भी डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन के अंदर ही। हाँ, और ये सारे लेक्चर्स में आपको अनलिमिटेड व्यूज़ मिलेगा आपको कोई भी, क्योंकि कैसा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं, तो आपको बार बार देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है प्रैक्टिस के लिए। इसमें कोई भी थियोरेटिकल पॉइंट नहीं है, प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड डिस्कशन है, और इसमें आपको नोट्स मिल जाता है, इसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है आपके प्रैक्टिस के टाइम के हिसाब से, आप देख लो। हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब भी पहली बार देखोगे तभी हम लोग क्लासरूम में कैसे बैठते हैं वैसे नोट्स भी निकाल लो, क्योंकि अगर आप नोट्स निकाल लोगे क्लासरूम में बैठ के, सी कंसिडर दिस लाइक एन प्योरली क्लासरूम प्रोग्राम, तो आपको मेथोडिकली अगर आप टाइम देते हो तो ये 6 महीने में आपका प्रैक्टिस, जो भी आपका नॉलेज है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो 101% डेवलप होने वाला है। कुछ मेरे डेमो लेक्चर्स आप देख लो, आपको आइडिया आएगा अपना टीचिंग कैसा है, क्वालिटी कैसी है। हम लोग प्रैक्टिकली चलो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इन्हें इसके लिए मतलब क्या, अगर कोई कंफर्टेबल फील नहीं करता तो फिर हमको भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। फॉर एग्जांपल, सी इट इज़ ऑल अबाउट योर सेटिस्फैक्शन दैट मेक्स अस सेटिस्फाइड, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें अगर आप नोट्स निकाल लेते हो तो ऑल द मोर गुड, क्योंकि वो नोट्स आपको लाइफ टाइम के लिए, आप पूरा सब्जेक्ट 2-2 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हो। अभी इसमें अगर हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम का, ये सारा प्रोग्राम का फीस देखें, तो क्लासरूम प्रोग्राम का फीस रहता है 20,000 सारे सब्जेक्ट मिला के, लगभग 6,000 पर सब्जेक्ट है, लेकिन सारे सब्जेक्ट को मिला के डिस्काउंटेड प्राइस वो रहता है। अभी इसमें अगर आप बोलोगे तो ये सॉफ्ट कॉपी मतलब जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम है उसका फीस रहता है ओनली 10,000 रुपीज़, और वो 10,000 में आपको सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं, अनलिमिटेड व्यूज़ मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, नोट्स मिल जाते हैं, और डाउट सॉल्विंग भी मिलता है आपको। जो भी लेक्चर देखते वक्त कुछ डाउट है तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके मेरे एप्लीकेशन के अंदर, वो बैच के अंदर डाल दो, एंड वो इवनिंग में, यूजुअली सेम डे इवनिंग में मैं सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूँ। अभी लगभग अलग अलग बैचेस में अपने 300-350 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने लेक्चर्स ले रहे हैं, तो इवनिंग का मेरा टाइम जो है वो डाउट सॉल्विंग में ही जाता है। मतलब हम लोग खाली नहीं बैठे हैं, लेकिन कैसा है, पैसा इसके लिए कम लगता है क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का प्रोग्राम है, करके हमको भी बेनिफिट है कि अपना हमारा एक्टिव टाइम नहीं जा रहा है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये हार्ड कॉपी में चाहिए तो सारे सब्जेक्ट के नोट, पूरे 6 सब्जेक्ट के नोट्स में आपको 2,000 में कुरियर कर दूंगा, वो कभी भी ले सकते हैं, वो कभी भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें डाउट सॉल्विंग मिल जाता है। तो ये सिंपल बेस्ड प्रोग्राम है कि जिसमें हम लोग अनलिमिटेड व्यूज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड डाउट सॉल्विंग, और तीनों इन 50% प्राइस, जैसे हमने हमारा अपना प्रोग्राम है। तो मैं आपको अभी डेमो लेक्चर बैच में इंक्लूड करता हूँ, एंड उसके बाद फिर आप डेमो लेक्चर देख लो। हम लोग अभी एडमिशन शुरू करना, मैक्सिमम हम लोग 50 स्टूडेंट ले सकते हैं मेरे एप्लीकेशन के वो बैच के अंदर, क्योंकि कैसा है कि हम लोग अनलिमिटेड व्यूज अभी हम लोग देते हैं, तो यूजुअली हर स्टूडेंट 3-3 बार लेक्चर देखता है ऑन एन एवरेज, तो उतना हमको बैंडविड्थ रखना पड़ता है अपने एप्लीकेशन पे कि लेक्चर्स स्मूथली जाएं। तो मैक्सिमम लिमिट इज ओनली 50 स्टूडेंट्स पर बैच। तो अभी तो हमने जस्ट अनाउंस किया है, आप देख लो कंफर्टेबल हो तो। हाँ, अलग अलग फिर है ना, सब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम रहते हैं, जैसे पूरा फार्माकोलॉजी जो जैसे मैंने आपको बताया। बराबर,